हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर बिहार सिविल कोड का फॉर्म अप्लाई किया था, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आई थी। तो बच्चे वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट कब बताई जाएगी, कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आज मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग खुशखबरी को डिटेल्स में समझ लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि लास्ट ईयर जो फॉर्म आया था उसमें ओवरऑल पोस्ट आपका 7692 सीट्स रखा गया था। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था आपका 18 लाख, जिसमें से ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आपका 9 लाख यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ था। कलर की पोस्ट थी आपकी 1325, स्टेनोग्राफर के लिए 1562, कोर्ट रीडर कम डेपोजिशन राइटर के लिए 1132 सीट्स थे। पियोनिया ऑर्डरली की सीट्स के लिए 1673 सीट्स रखे गए थे। तो चलिए पहले अब हम लोग समझ लेते हैं एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट जो आपका अभी आपका एग्ज़ाम डेट निकाला गया है दो ही पोस्ट के लिए, तो हम लोग दो पोस्ट के बारे में ही एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पहला है स्टेनोग्राफर का, इसमें 90 क्वेश्चन का पेपर होगा 90 मार्क्स के लिए एंड 2 आवर्स में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका जीके का रहेगा 10 क्वेश्चन, मैथ्स का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और 10 नंबर मिलते हैं आपको इंटरव्यू के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क इसमें भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए आगे अब देख लेते हैं अगली पोस्ट के लिए। अगली जो हमारी पोस्ट है फ्रेंड्स वो है कोर्ट रीडर की, तो इसका भी आपको 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए और टाइम मिलेगा 2 आवर्स के लिए। जीके के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए एंड रीजनिंग के आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि आपने स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर दोनों ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिया होगा। तो चलिए बता देती हूँ एग्ज़ाम की डेट जो है कब अनाउंस की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है कि आपका एग्ज़ाम जो है 17 दिसंबर को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा और सेंटर आपका रहने वाला है पटना में। फर्स्ट शिफ्ट में होगी आपकी कोर्ट रीडर की एग्जामिनेशन एंड सेकेंड शिफ्ट में होगी स्टेनोग्राफर के लिए। और रही बात कि ज़्यादातर बच्चों ने क्लर्क और पियोन जो ऑर्डरली पोस्ट थी उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो आई नो कि आप अपना पेशेंस खो रहे होंगे। तो आपको देखिए, जब ये दोनों पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है ना कि एक ही दिन में सारा पेपर कंडक्ट करा लिया जाए। तो पहला जो 17 दिसंबर को पेपर कंडक्ट होगा उसमें 2 पोस्ट का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जनवरी 2024 में आपका ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो घबराना नहीं है, तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, तभी जाके तो जब आपका पेपर होगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मेंस के लिए जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो 1:10 में आएगा। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2016 में जो इसका पेपर कंडक्ट कराया गया था उसमें कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ मार्क्स रहा था। पहले हम लोग देख लेते हैं आउट ऑफ 90 आपका क्या टोटल मार्क्स था। जनरल का 64.5 था, बीसी के लिए 61.5, ईबीसी के लिए था 59, एससी के लिए 54 एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50 था। वहीं इसमें जब हम 10 मार्क्स इंटरव्यू का ऐड कर देंगे तब देखते हैं कि क्या आपका कट ऑफ गया था। जनरल का 74.6, बीसी के लिए आपका 72.4, ईबीसी के लिए 70.4, एससी के लिए 65.8, एसटी के लिए था 64.1। सो आई होप कि आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ समझ गए होंगे, उसके बेसिस पे ही आप प्रीवियस ईयर के सेट भी बना रहे होंगे और मॉडर्न जो आपका होता है ना कि मॉडल पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, वो आप जरूर बनाना अभी का जो न्यू जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बेसिस पे। और अगर इसके बारे में जानना होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए होगा आपको या फिर कुछ भी डिटेल चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। और भी बाकी जो दोनों पोस्ट है अगर उसका भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया जाएगा तो मैं आपको ज़रूर
इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब अपडेट की न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।